सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी इन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नए वीडियो की जानकारी पाए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नितिन और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन हिंदी चैनल। आज के शेड्यूल में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका फोन चार्ज होने में बहुत समय ले रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी 5 वजह जिनकी वजह से आपका फोन स्लो चार्ज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्टफोन चार्जिंग पहले की तुलना में काफ़ी बदल गई है। कंपनी अब फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। ज़्यादातर स्मार्टफोन 1.5 से 2 घंटे में चार्ज हो जाते हैं। अगर आपका स्मार्टफोन चार्ज होने में दोस्तों इससे भी ज़्यादा समय ले रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन कारणों के बारे में बताऊँगा जिनकी वजह से आपका स्मार्टफोन स्लो चार्ज होता है। नंबर 1, खराब अडेप्टर या केबल। ज़्यादातर ऐसा होता है कि खराबी फ़ोन में नहीं बल्कि चार्जर में होती है। ऐसे में दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूँ कि फ़ोन के साथ आने वाली केबल या फिर अडेप्टर से ही अपना फ़ोन चार्ज करें। अगर फ़ोन के साथ जो चार्जर आया है और वो ख़राब हो गया हो तो ओरिजिनल चार्जर ही खरीदें। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि केबल बाहर से तो ठीक ठाक दिखती है लेकिन अंदर उसमें से कुछ खराबी रहती है जिसकी वजह से चार्जिंग स्लो होती है। ऐसे में दोस्तों आपको अपना चार्जर बदल देना चाहिए। नंबर 2, कमज़ोर पावर सोर्स। स्लो चार्जिंग के लिए आप हमेशा केबल चार्जर को दोष नहीं दे सकते। ऐसे भी हो सकता है कि आप वीक पावर सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे में अगर आप वायरलेस चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आप वायर वाला चार्जर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि सैमसंग जैसी कंपनियां के फास्ट वायरलेस चार्जर आते हैं, फिर भी ये तार वाले चार्जर से धीमे चार्ज होते हैं। नंबर 3, बैकग्राउंड ऐप। अगर दोस्तों आपका फ़ोन धीमा चार्ज हो रहा है कि इसके लिए हार्डवेयर की जिम्मेदारी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ़ोन के सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से भी चार्ज स्लो हो सकते हैं। ऐसे में अगर दोस्तों आपने कोई नया ऐप इंस्टॉल किया है तो उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐप बैकग्राउंड में ज़्यादा पावर खींच रहा है। अगर दोस्तों फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप सीधा सीधा क्या किए, फ़ोन को रिसेट कर दीजिए। नंबर 4, डैमेज USB पोर्ट। दोस्तों सारे तरीके आजमा लेने के बाद भी अगर आपका फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है तो परेशानी आपके फ़ोन के काफ़ी समय से फ़ोन इस्तेमाल होने चलते कई बार इसमें कुछ गंदगी जमा हो जाती है, फिर यह अंदर से डैमेज हो जाता है। ऐसे में आपको इसे एक बार साफ करना चाहिए और फिर भी न ठीक होने पर रिप्लेस करना ही बेहतर रहता है। नंबर 5, ख़राब बैटरी। इन 4 तरीकों से भी अगर आपका फ़ोन तेज चार्ज नहीं हो रहा हो तो आपको फ़ोन की बैटरी बदलने की ज़रूरत है। कई बार बैटरी काम तो करती है लेकिन कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चलते ये तेज़ी से चार्ज होने को बंद हो जाती है। ऐसे में इसे रिप्लेस करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी 5 वजह इनकी वजह से आपका फ़ोन स्लो चार्ज होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में घंटे वाले बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।